गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 3 वनराज से मुलाकात। जैसा कि चैप्टर का नाम ही दिया गया है वनराज से मुलाकात, तो सबको पता है वन के राजा कौन होते हैं, शेर। तो सिंह से मुलाकात, सिंह वनराज से मुलाकात क्या इस चैप्टर में दिया गया है, क्यों मुलाकात की गई है, उस मुलाकात से क्या मिलता है, क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये एक चैप्टर जैसे कि एक सीन होता है, प्ले होता है, वैसे यहाँ पे प्ले है। फर्स्ट पहला सीन, दूसरा सीन। तो वैसे यहाँ पे पहला सीन हम देखेंगे, पहला दृश्य, उसमें कौन कौन से पात्र हैं। जैसे कि जब एक प्ले होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो पहला जो सीन है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो पहले में है भगवान शंकर, पार्वती जी हैं, नारद जी हैं, शिवगण हैं, शिवगण मतलब शिव जी के जो चेले कहा जाएगा वो लोग हैं, मानव है, वनराज है, लोमड़ी है, हिरण है, बंदर, भालू आदि जंगल के प्राणी, और लकड़हारा। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाले को हम बोलते हैं लकड़हारा। पहला दृश्य, नेपथ्य में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना इंसान। नेपथ्य का मतलब जो आपको दिखाई ना दे, स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है कि देखो तुम्हारे संसार की हालत क्या हो गई है, कितना दुखी हो गया है इंसान। पार्वती, भगवान कैसा स्वर है। शंकर, देवी स्वर मानव लोक का है, मानव दुखी है। तो पार्वती जी पूछ रही है ये कैसा स्वर है, तो शंकर जी बता रहे हैं कि ये मानव लोक से ये स्वर आ रहा है, मानव जो है बहुत दुखी है इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। पार्वती, मानव ने तो चंद्र लोक पर विजय प्राप्त कर ली तथा वह अन्य द्रव्यों पर भी चढ़ाई कर रहा है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों है, ये कैसी विडंबना है। तो पार्वती जी बोलती हैं ये आखिर क्या बात है, मानव तो हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, अपने चंद्रमा पर पहुंच जा रहा है, अलग अलग ग्रहों में अपना घर बनाने को तैयार है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, चारों ओर से विजय ही विजय प्राप्त है, तो फिर ये कैसी विडंबना है। विडंबना मतलब एक उपहास, एक मतलब कमेंट टाइप मार के वो ऐसा बोलती है। शंकर, यह सब उनकी उसकी बुद्धि के कारण हुआ है। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे। तो शंकर जी बोल रहे हैं ये जो उनकी बुद्धि है, वो जो सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि की वजह से वो एक से एक कारनामे करते जा रहे हैं, ये सब उनकी बुद्धि के कारण ही हो रहा है। तो पार्वती जी बोलती है कहीं ऐसा ना हो एक दिन वो अपनी सेना लेकर देवलोक पर भी आक्रमण कर दे, और कहने लगे देवलोक पर भी हमारा ही अधिकार है। शंकर, मानव को मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है, वह सभी जीवों में श्रेष्ठ है, प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए हैं। तो शंकर जी बोल रहे हैं मानव को मैंने सबका आधिपत्य मतलब सबका स्वामी बनाया है, मतलब सबसे दुनिया में कहा जाए तो सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे सारी सुख सुविधाएं मानव को प्राप्त है। तो इस शंकर जी बोल रहे हैं कि मानव को मैंने सबका आधिपत्य दे दिया है, मतलब सबका स्वामी बनाया है, दुनिया में जो जो भी चीजें उपस्थित हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ सबसे पहले सबका उपभोग कौन करता है, मानव ही करता है। पार्वती, भगवान फिर यह शोर क्यों, आप अपने भक्तों की सुधि क्यों नहीं लेते। तो पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा, जब आपने उन्हें सारी सुख दुआएं दी हैं, उन्हें इतना शक्ति दिया है, उन्हें सब चीज का आधिपत्य दिया है, वो एक न एक करके एक एक विजय प्राप्त करते ही जा रहे हैं, तो फिर वो दुखी क्यों है, आप जाकर उनकी सुधि लीजिए। सुधि लेने का मतलब उनको क्या कष्ट है उनके बारे में विचार कीजिए, उनकी खोज खबर लीजिए। शंकर, देवी पार्वती यदि आपकी यही इच्छा है तो हम भक्तों की सुधि लें तो हम पृथ्वीलोक अवश्य जाएंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी सुधि लूँ, उनकी खोज खबर लूँ, तो ठीक है मैं पृथ्वीलोक जाऊँगा। पार्वती, भगवान क्या मैं भी आपके साथ चलूँ। हाँ, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा, हम आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करनी के जाल में कैसे फंस गया है। तो शंकर जी बोलते हैं ठीक है हम लोग चलेंगे, आप भी अगर जाना चाहती हैं तो चलिए, लेकिन हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा और आपको मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगा कि मनुष्य ने अपने ही कारण वहाँ पे, अपने ही बुद्धि की वजह से, अपने ही कर्मों की वजह से वहाँ पे क्या क्या कार्य किया है और क्या क्या गुल खिलाए हैं। पार्वती, भगवान नारद मुनि को भी साथ ले चलें तो अच्छा होगा, उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है तथा वे संसार की स्थिति से परिचित हैं। शंकर, कोई है। तो पार्वती जी बोलती हैं नारद जी को भी साथ ले चलेंगे। शंकर, कोई है, एक गण हाथ जोड़े हुए आता है, आज्ञा महाराज। कोई आकर खड़ा होता है, शिव जी पूछते हैं कौन है, एक गण है, एक मतलब उनका सेवक है, बोलता है हाँ मैं हूँ महाराज। शंकर, नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। तो गेट पे जो उनका खड़ा होता है गण, उनको बुलाते हैं, बोलते जाओ तुम नारद जी को सूचना दे दो कि वो हमारे साथ यात्रा करेंगे। गण, जो आ गया।
तो ये पहला दृश्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दृश्य हम नेक्स्ट वीडियो में